जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? जीवन में जब कोई राह समझना है तो उसकी राह पकड़ लेनी चाहिए जो जीवन देता है। हर एक मोड़ पर जो राह दिखाने का कार्य करता है, बस उसी की राह पर चलना चालू कर दीजिए तो देखिएगा कितनी आसानी से आपको आपके जीवन की राह मिल जाएगी। हम अक्सर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत परेशान होते हैं। इतने सवाल होते हैं कि जिनके जवाब हम कहीं से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा सवाल तो भाई उनके पास होते हैं जो किसी से मोहब्बत करते हैं। ये प्यार जितनी खूबसूरत चीज़ है ना, उतनी ही बड़ी बला है। और इस बला को जिसके सिर पे किसी ने बैठा दिया हो और उसके बाद उसको दर्द का तड़का मार दिया हो, तो फिर तो उफ तौबा, उसकी ज़िंदगी नरक बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर रुको, अरे कहाँ हम रोकते हैं ना, कहा ना जिसके पास कोई राह ना हो उसके पास उसकी राह होती है। तो चलो आज ठाकुर जी का नाम लेते हैं और प्यार करने वालों के नाम से आज कुछ अद्भुत, अलग और नया करते हैं। लेकिन इससे पहले ये तो जान लो मेरी जान कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। हर इंसान नहाने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे उसका रूप रंग, उसका चेहरा निखर जाए। कुछ लोग तो बेसन लगाते हैं, कुछ लोग एलोवेरा लगाते हैं, कुछ लोग मास्क लगाते हैं, कुछ लोग मलाई लगाते हैं, नाना प्रकार की चीज़ें करते हैं, उपटल लगाते हैं, स्क्रब करते हैं ताकि आपके चेहरे पे, आपके शरीर पर सुंदरता, आकर्षण हमेशा बना रहे। पर नहाने से पहले अगर आप ये छोटा सा काम कर लेंगे ना, तो आपके जीवन में प्यार भी हमेशा बना रहेगा। और करना क्या है आपको, सिंपल सा छोटा सा उपाय। नहाने से पूर्व आप अपनी उंगली से, यानी कि आपकी रिंग फिंगर से आपको शहद ले लेना है, और उस शहद को आपको 7 बार अपनी नाभि पर घुमाना है, और घुमाते वक्त आपको बोलना है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम। इस मंत्र को बोलते हुए 7 बार आपको अपनी उंगली से अपनी नाभि को स्पर्श करना है, और उसके बाद आपके मन की मनोकामना, चाहे बॉयफ्रेंड चाहिए, चाहे पति से प्यार चाहिए, चाहे लव मैरिज करनी है, बोल दीजिए। उसके बाद नहा लीजिए। नहाने के बाद ईश्वर के सामने जाकर एक दिया प्रज्वलित करिए और वहाँ पर बैठकर ठाकुर जी का नाम स्मरण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका 108 बार जाप कर लीजिए। करके देखिए, लगातार 40 दिन ये कार्य कर लीजिए, आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो जाएगा। प्यार नहीं मिल रहा है तो वो मिल जाएगा, लव मैरिज में रोड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, पति प्यार नहीं करता है तो वो भी करने लगेंगे। और ऐसा हो जाए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। कुंडली के अंदर कोई भी समस्या हो, घर के अंदर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही हो, दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए। अपने जीवन की समस्या लेकर आइए और समाधान हमसे पाइए। मैं आपको आपकी ज़िंदगी का सही राह और आपकी ज़िंदगी का सही उपाय देने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए जी, चलते चलते आपको एक कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। और ये कुंडली आई है मेरे पास में नेहा की। नेहा ने मुझसे पूछा है कि मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, ना मेरी जॉब लग पा रही है, ना मेरी शादी हो पा रही है, और मैं पता नहीं कैसे बहुत परेशान रहती हूँ। नेहा, पहले तो मैं आपको 3 चीज़ें बता रही हूँ जो आपको बहुत अच्छी से समझ लेनी है। 7.5 आपकी इस समय चल रही है, तो आपको नित नियम से मंगलवार और शनिवार के दिन दान पुण्य ज़रूर करना है।
शनिवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित जरूर करना है। दूसरी चीज, आपकी इस समय कुंडली के अंदर महादशा जो है वो बुध की चल रही है। आपके बनते बनते जो काम है ना वो रुक जा रहे हैं और आपको जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही होगी ना वो आपको अपनी बहन से या अपनी बुआ से आ रही होगी। आपको बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय के वक्त उठ जाइए और नहा धोकर आपको गणपति जी का पाठ ज़रूर करना है। या तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए या गणेश चालीसा का पाठ करिए। तीसरी चीज़, आपको सितंबर तक ये तकलीफ़ें रहने वाली हैं तो इसे लेकर आप अपने मन को ख़राब बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल जवाब चल रहे हों आप उन्हें ये कहकर शांत कर देंगे कि सितंबर तक तो दिक्कत है, उसके बाद अपने आप ठाकुर जी आपके लिए रास्ते खोलना चालू कर देंगे। ऐसी भी बुरी कुंडली नहीं है आपकी, आपके जीवन में बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा, बस इस समय को काटना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपका जो नाम है ना उसके अंदर थोड़े चेंजेस आपको ज़रूर कराना चाहिए। नेहा को या तो आप डबल ए कर लीजिए या आप डबल एन कर लीजिए। आप अपने नाम में ये चेंजेस करके देखिए, आपको खुद इसका रिजल्ट समझ आ जाएगा। जब समझ आए तो यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ताकि और लोगों को भी समझ आए कि जीवन के अंदर नाम से कितना प्रभाव पड़ता है। चलिए जी, ये तो नेहा की कुंडली थी जो मैंने आज आपसे डिस्कस की। आपको भी अगर अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या फिर आप हमसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।